नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। विद्युत जामवाल के टाइपो एरर ने ट्विटर पर एक बड़ी गड़बड़ कर दी है। दरअसल विद्युत के को-स्टार अमित साध ने उन्हें एक ट्वीट किया था और बदले में एक्टर ने अमित शाह को टैग कर दिया है। विद्युत जामवाल के इस ट्वीट पर लोग खूब मजे लेते दिख रहे हैं। खैर आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल इन दोनों विद्युत जामवाल अपनी नई फिल्म खुदा हाफिज को लेकर चर्चा में है। फिल्म में विद्युत जामवाल यानी समीर अपनी गुमशुदा पत्नी शिवलिका ओबेरॉय की तलाश में दूसरे देश पहुंचता है और उसे ढूंढने की हर कोशिश वह करता है। बता दें कि हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जैसे विद्युत जामवाल ने अपने अकाउंट से शेयर भी किया था। विद्युत के इसी पोस्ट पर अमित साध ने उनके दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ की और लिखा है कि हर फिल्म के साथ जिस तरह वे एक्टिंग के मामले में तरक्की करते जा रहे हैं वह लाजवाब है। अमित साध ने लिखा है कि विद्युत पर्दे पर जो भी करते हैं उनके दिल को छू जाता है। इसी के साथ उन्होंने खुदा हाफिज के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा है। विद्युत जामवाल ने अमित साध को जवाब देते हुए गलती से अमित शाह को टैग कर दिया और उन्हें वर्चुअल गले लगाया है, जिस पर यूजर्स अब काफी खिंचाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ ट्वीट्स जिनमें लोगों ने विद्युत जामवाल का मजाक उड़ाया। वहीं आपको बता दें कि डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की नई फिल्म यारा में विद्युत जामवाल और अमित साध साथ नजर आने वाले हैं। इनके अलावा इस फिल्म में विजय वर्मा और कैनेडी भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म नेपाल भारत सीमा के पास जद्दोजहद करने वाली चौकड़ी गैंग के चार दोस्तों की कहानी है, जो कि साल 2011 में आई फ्रेंच फीचर फिल्म अ गैंग स्टोरी की रीमेक भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।